गाइज, इस क्यूट ब्रीड के लिए मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहा था और आप लोगों के भी काफी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई पग ब्रीड के ऊपर कोई वीडियो लेके आओ। तो आज मैं आप लोगों के लिए पग ब्रीड की वीडियो ले ही आया, जिसमें आप लोगों को दो कलर देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट कलर है फॉन कलर और जो हमारा सेकेंड कलर है वो है ब्लैक। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए दोनों ही कलर के पग ब्रीड पपीज लेके आया हूँ। तो अगर आप लोग एक स्मॉल डॉग ब्रीड लवर हैं और आप लोगों को एक छोटी ब्रीड चाहिए तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। आज मैं आप लोगों को इन पपीज की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या इनकी लोकेशन है और क्या इनकी प्राइसिंग होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दिस इज मंजीत एंड यू आर वॉचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इन क्यूट पपीज के बारे में। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पग ब्रीड जो होती है बहुत ही क्यूट होती है और ये एक स्मॉल और फैमिली ब्रीड में आती है। और इन दोनों कलर्स के पपीज की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आगे मैं आप लोगों को इनके मदर और फादर की फोटोज भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पग एक फेमस ब्रीड है और ये बहुत से लोगों की फेवरेट भी है। तो आप लोग भी मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना कि आप में से कितने लोग इस ब्रीड को पसंद करते हैं। और गाइस, बहुत सी बार आप लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करने को जरूर मिलती होगी कि जब भी आप लोग अपने पपीज को या अपने डॉग को घर में अकेला छोड़ के जाते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। बट पग ब्रीड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इन्हें 3-4 घंटे के लिए आराम से घर पे अकेला छोड़ सकते हैं। और ये जो पपीज हैं काफी हेल्दी हैं और आप लोगों को क्वालिटी वाइज भी शायद कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को ऐसा ही नहीं कह रहा। आप लोग इसके फादर की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और ये एज ए स्टड भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग अपनी पग फीमेल की इसके साथ मैटिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इन दोनों डॉग्स की मैटिंग की पिक दिखा देता हूँ। तो हमारे जो पहले डॉग है उसकी मैटिंग की पिक आप लोग देख सकते हैं। क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही कह रहा था कि क्वालिटी वाइज तो शायद आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा। और ये रही हमारी ब्लैक कलर के पग डॉग्स की मैटिंग की पिक। तो क्वालिटी आप लोग इनकी भी देख सकते हैं और अपने ओपिनियन एक बार मेरे साथ जरूर शेयर करें कि इन दोनों की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए अब इन दोनों डॉग्स की मैं आप लोगों को बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। बट उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबा कर पाए मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये दोनों ही 1 मंथ के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली बदरपुर से। अगर आप लोग आसपास में कहीं पे भी रहते हैं तो डायरेक्ट जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि भाई डिलीवरी आप लोगों को अवेलेबल नहीं मिल रही। सेलर सिर्फ दिल्ली में ही डिलीवरी अवेलेबल करा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। जो ब्लैक कलर के पग हैं वो मेल हैं और ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। और जो फॉन कलर के मेल पपीज हैं इनका जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए। और अगर वही हम फीमेल के बारे में बात करें तो जो फॉन कलर की फीमेल है ओनर ने इसके जो प्राइस की डिमांड की है वो की 8,500 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा, अपने ओपिनियन एक बार मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं तो अपने डॉग्स की वीडियोस और उसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।